नेक्स्ट में आपको ये टोटल वॉल्यूम दे रखा है और पार्शियल वॉल्यूम पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? टोटल वॉल्यूम दे रखा है और पार्शियल वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्शियल मोलर क्वांटिटी होगी, कोई भी पार्शियल मोलर क्वांटिटी जो होती है, याद रखना, तो जो वी मोलार होगी पार्शियल मोलर क्वांटिटी, वो डेल वी अपॉन डेल एन टीपी कॉन्स्टेंट। मतलब मान लो अगर ये एन आई है तो एन जे इज नॉट इक्वल्स टू एन आई, ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। क्लैरिटी है कि नहीं? हमेशा बस उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है उस नंबर ऑफ मोल से, वो उसके लिए पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ आई आता है। इसको हम वी एम आई बोलते हैं या फिर वी बार ऑफ आई, एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऐसे भी लिख दिया जाता है, एक ही बात है। बोलो हाँ या ना? तो जो आप वी बाय एन कर लेते थे वो आसान तरीका था, क्योंकि अकेला ही था तो उसको दिक्कत नहीं होती थी। हाँ या ना? बोलो। पर यहाँ पे क्या होता है, असल में जो होता है वो होता है डिफ्रेंशिएट किया जाता है एन से। अरे बोलो हाँ या ना? तो अब आपको वी दे रखा है, बोलो, और ये एन है, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है, एन है, यही एन है, यही एन है, यही एन है, देखो दे रखा है। हाँ ना? बोलो। अरे बोलो हाँ है ना? बस आपको क्या निकालना है, वी मोलार जब निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये तो जीरो हो गया, यहाँ क्या रह गया, 35.677। यहाँ क्या रह गया, -2 × 0.592923 +3 × 0.017325। हाँ है ना? बोलो यस और नो। ये डिफरेंशिएट करके निकल गया। आपने निकाला कैसे, डेल वी अपॉन डेल एन से, एन की जगह एक्स रख लिया, ठीक। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, वाई विच इज नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब कोई और ना। अरे बोलो हाँ है ना? ऐसे आप पार्शियल मोलर किसी का भी निकाल सकते हैं। बोलो हाँ है ना? अरे बोल दो यार, निकाल लोगे पार्शियल मोलर? अरे पार्शियल मोलर अब तो निकाल लोगे, बस आपको डिफरेंशिएट ही तो करना है, डिफरेंशिएट ही तो करना है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और लास्ट क्वेश्चन, ये वाला लास्ट क्वेश्चन ये मैं करवा देता हूँ। ये वाला आपका जो क्वेश्चन है वो गिब्स डुहम इक्वेशन से है। कहां से है? गिब्स डुहम इक्वेशन, सही है। जो गिब्स डुहम इक्वेशन है वो ये बोलती है, एन वन यानी ये ए बी है तो ये एन ए डी म्यू ए प्लस एन डी म्यू बी इज इक्वल टू जीरो। हाँ है ना? अब इसने रखा है एन ए इज इक्वल टू इतना है, पुट कर दो। एन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.10 एन बी। तो क्या बन जाएगा ये, 0.10 एन बी डी म्यू ए प्लस एन बी डी म्यू बी इक्वल टू जीरो। एन बी कॉमन ले लीजिए, एन बी कॉमन ले लीजिए। अरे हाँ है ना? एन बी कॉमन ले लीजिए, एन बी कॉमन लेते ही ये क्या बन गया, 0.10 डी म्यू ए प्लस डी म्यू बी इक्वल टू जीरो। अब ये तो जीरो है नहीं, तो जीरो तो यही रह गया। अब उसने बोला है डी म्यू ए की वैल्यू है +12 जूल पर मोल, मतलब ये इतना चेंज हुआ है, डी म्यू ए दे रखा है +12 जूल पर मोल। अगर ऐसा हुआ है तो डी म्यू बी कितना होगा, मतलब म्यू बी में कितना चेंज होगा, निकाल लो, सो सिंपल। तो 0.1 × 12 जूल पर मोल डी म्यू बी इक्वल टू जीरो। तो डी म्यू बी कितना आ जाएगा, चलेगा? हाँ ना? बोलो हाँ ना? बोलो। ये आपकी गिब्स डुहम इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है बच्चा ये? इसी को बोलते हैं गिब्स डुहम इक्वेशन। क्लैरिटी है कि नहीं? हाँ ना? बोलो यस यस, चलेगा? ठीक है। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन आप लोगों को ये फाइल अपलोड हो जाएगी, आप लोग स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने हर तरफ से ऐसे ऐसे टॉपिक्स टच करने की जरूर कोशिश करी है कि जो पेपर में अलग से आते हैं और आ सकते हैं। क्लैरिटी है? इसका क्वेश्चन पहले भी जेआरएफ में आ चुका है, तो अभी भी आने के चांसेस हैं।
ठीक है, तो एक बारी जरा ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ठीक है।